आप देख रहे हैं यहाँ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी लिखा हुआ है, तो समझ रहे होंगे कि बायोलॉजी के बारे में कुछ बातें कर रही है, कुछ चर्चा होना बायोलॉजी का। लेकिन बायोलॉजी क्या है, कहाँ से आया, कैसे आया? बायोलॉजी एक अगर पढ़ने की चीज है, एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कहाँ से डिराइव हुआ है उसके बारे में पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो बायोलॉजी क्या है, एक साइंस है। क्या करते हैं, बायोलॉजी लाइफ साइंस है, या इसको कहते हैं कि साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये साइंस क्या है, साइंस के बारे में थोड़ा जानना होगा। हम लोग दूसरे आदमी से फिजिक्स भी सुनते हैं, केमिस्ट्री भी सुनते हैं, ये क्या है। तो बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन से पहले, बायोलॉजी को जानने से पहले, हम बायोलॉजी किस चीज़ का ब्रांच है, बायोलॉजी के जैसे और भी कोई सब्जेक्ट है या नहीं, उसके बारे में जानते हैं। तो ये साइंस क्या है, साइंस से ही बायोलॉजी बना है। तो पहले साइंस के बारे में देखें। साइंस को डिफाइन ऐसे भी किया सकता है कि इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटी इनकम्पासिंग द सिस्टमेटिक स्टडी। इस टर्म्स को ध्यान देना है, इंटेलेक्चुअल हम अपने अकल से, और प्रैक्टिकल एक्टिविटी और अपने द्वारा किए गए प्रयोग से, एक्टिविटी से, इनकम्पासिंग द सिस्टमेटिक स्टडी। सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ फिजिकल एंड नेचुरल वर्ल्ड। कह रहा है कि हमारे आसपास, चाहे वो फिजिकल कंपोनेंट हो या नेचुरल कोई वर्ल्ड हो, जैसे कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म देख लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है। तो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उसके बारे में हम स्ट्रक्चर की अगर स्टडी करते हैं और उसको समझने के लिए उसके साथ प्रैक्टिकल करते हैं, और फिर उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक क्रमबद्ध तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं, और लिख करके किसी को समझाने की कोशिश करते हैं या खुद समझने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे ऑब्जर्वेशन को और ऐसे एक्सपेरिमेंट को के लिखे हुए स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। अब ये साइंस में जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन आता है, चाहे वो नापतोल का मामला हो या फिर केमिकल रिएक्शन हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई बात हो, तो उस सब चीज की जानकारी जब ज्यादा बढ़ती है तो हम उसको अलग अलग ब्रांच में बांट देते हैं। और इसी तरह से ये बायोलॉजी भी एक ब्रांच बना। तो हम मोटा मोटी साइंस को तीन ब्रांच में देखते हैं। एक है फिजिकल साइंस, दूसरा है आपको केमिकल साइंस, और तीसरा है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस में हम किसकी बात करते हैं, मेजरमेंट की। इसमें केमिकल्स, और इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात कही जा रही है और बिहेवियर की बात कही जा रही है। ये स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर है तो उसका मेजरमेंट होना है, उसके अंदर कंपोनेंट है, वो किसी न किसी मैटर से बना हुआ है, तो उसमें केमिकल्स होंगे, और वो अगर काम कर रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा, उसमें चेंजिंग हो रहा होगा, वो भी हो गया उसमें। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ लिखा हुआ बिहेवियर, बिहेवियर, तो ये बिहेवियर क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिहेवियर होता है, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सबका अपना अपना बिहेवियर होता है। तो
जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ब्रांचिंग होती चली जाती है, और ये फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस हुआ, और लाइफ साइंस को ही हम क्या कहते हैं जो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी का इसको, अब बायोलॉजी के बारे में क्या है तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of living organisms. एक बार और हम कोशिश करते हैं इसको समराइज करने की कि साइंस क्या है, इंटेलेक्चुअल और प्रैक्टिकल एक्टिविटी है जो किसी स्ट्रक्चर और बिहेवियर, किसका, फिजिकल और नेचुरल वर्ल्ड, इस माहौल में जो भी चीजें हैं उसका स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर को सिस्टमेटिक ढंग से अगर हम समझ लेते हैं और उसको परख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं, तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। अब इस साइंस में तीन ब्रांच निकल करके आते हैं, एक फिजिकल साइंस जिसमें हम किसी भी फिजिकल स्ट्रक्चर का नाप तौल कर सकते हैं, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई का पता लगा सकते हैं, अगर उसके अंदर गति है तो उसको हम तेजी को माप सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद केमिकल साइंस भी उसमें आ जाता है, जो भी स्ट्रक्चर है वो किसी न किसी मैटर से बना होगा तो उसके अंदर में क्या होगा, केमिकल कंपोनेंट्स होंगे, उसके अंदर कुछ केमिकल कंपोनेंट उसके स्ट्रक्चर बना रहे होंगे, कुछ केमिकल कंपोनेंट उसको चला रहे होंगे, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। और जब ये फिजिकल और केमिकल साइंस आपस में मिल जाती है तो वो क्या होता है, वो लाइफ साइंस यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है या कोई दूसरा कोई कंपोनेंट भी हो सकता है। तो अगर किसी के अंदर लाइफ है, लाइफ को हम आगे डिफाइन करेंगे लाइफ क्या चीज है, लेकिन उससे पहले अगर हम समझना चाहें तो कोई मैटर होता है अगर उसके अंदर लाइफ होती है तो भी फिजिकल और केमिकल साइंस उसके अंदर अप्लाई हो जाता है। और लाइफ साइंस क्या है कि उसमें हम केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। और इसी लाइफ साइंस को बायोलॉजी कहा गया है, ये डिराइव टर्म है, लाइफ साइंस दो वर्ड है और यहाँ पे बायोलॉजी एक वर्ड है। ऐसे इसी इस तरह से फिजिकल साइंस को भी फिजिक्स कहा गया, केमिकल साइंस को केमिस्ट्री कहा गया, इसी तरह से लाइफ साइंस को क्या कहा गया, बायोलॉजी कहा दिया गया, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस। अब कोई भी हम लोग क्या है, किसी के मुंह से सुनते हैं बायोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस, भाई पहले साइंस क्या है, साइंस आप लोगों ने समझ लिया। उसके बाद अब कोई भी आदमी अगर बोले अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है तो वो लाइफ साइंस है, वो बायोलॉजी है, बस सिंपल समझना है। तो क्या है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम लाइफ साइंस कहेंगे और लाइफ साइंस को ही बायोलॉजी कहते हैं। यहां तक समझने के बाद अब एक टर्म आता है लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम अगले लेक्चर में डिफाइन करेंगे। अब तक हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे, और एक बात आप लोगों के मन में एक और बात चल रही होगी कि सर तो सब कुछ बता दी, अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो मेरा नाम शानुर रहमान है और मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को एक बार नहीं बार बार समझने का मौका मिले, सुनने का मौका मिले, क्योंकि क्लासरूम में तो बस एक लेक्चर होता है।
तो आप लोग इसको बार बार देखें, समझें। अगर कोई इसमें क्वेश्चन हो, कुछ समझने में प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।